बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चाणक्य नीति के 7वें अध्याय में। जिन्होंने भी चाणक्य नीति के पिछले अध्यायों को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वहाँ पर जाकर जरूर देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 7वें अध्याय में कि बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी क्या है, उनकी पहचान क्या है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को निम्नलिखित बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए कि उसकी दौलत खो चुकी है, उसे क्रोध आ गया है, उसकी पत्नी ने जो उसके साथ गलत व्यवहार किया, लोगों ने उसे जो गालियाँ दी, या वह किस प्रकार बेइज्जत हुआ। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वह सुखी हो जाता है। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोभी लोग धन के लोभ में यहाँ वहाँ भटकते हैं, उन्हें नहीं होता। व्यक्ति को नीचे दी गई हुई 3 चीज़ों से संतुष्ट रहना चाहिए। खुद की पत्नी, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया, उतना धन जितना ईमानदारी से मिला। लेकिन व्यक्ति को नीचे दी हुई 3 चीज़ों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अभ्यास, भगवान का नाम स्मरण करना, परोपकार, इन दोनों के मध्य से कभी ना जाएं। 2 ब्राह्मण और उसके यज्ञ में जलने वाली अग्नि, पति पत्नी, स्वामी और उसका चाकर, हल और बैल, हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 की, सिंह वाले जानवर से 10 की, लेकिन दुष्ट जहाँ भी हो उस जगह से निकल ही जाएं। अपना पैर कभी भी इन्हें न छूने दें। अग्नि, आध्यात्मिक गुरु, ब्राह्मण, गाय, एक कुमारिका, एक उम्र में बड़ा आदमी और एक बच्चा। हाथी को अंकुश से नियंत्रित करें, घोड़े को थपथपा के, सिंह वाले जानवर को डंडा दिखा के और एक बदमाश को तलवार से। ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं, मोर मेघ गर्जना से, साधु दूसरों की प्रसन्नता को देखकर और दुष्ट दूसरे की विपता को देखकर। एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता करें, एक दुष्ट का प्रतिकार करके और जिनकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है उनसे समझौता विनम्रता या कठोरता से करें। एक राजा की शक्ति उसके भुजाओं में है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में है, एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता, तारुण्य और मीठे वचनों में है। हंस वहाँ रहते हैं जहाँ पानी होता है, पानी सूखने पर वे उस जगह को छोड़ देते हैं। आप किसी आदमी को ऐसे व्यवहार ना करने दें कि वो आपके पास आता जाता रहे। संचित धन खर्च करने से बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार जैसे ताज़ा जल जो अभी आया है बचता है यदि पुराने स्थिर जल को निकाल कर बाहर किया जाए। वह व्यक्ति जिसके पास धन है उसके पास सगे संबंधी भी बहुत होते हैं, वही इस दुनिया में टिक पाता है और उसको इज्जत मिलती है। स्वर्ग में निवास करने वाले देवता लोगों में और धरती पर निवास करने वाले लोगों में कुछ साम्य पाया जाता है। परोपकार, मीठे वचन, भगवान की आराधना, ब्राह्मणों की जरूरत की पूर्ति। नरक में निवास करने वाले और धरती पर निवास करने वालों में साम्यता। अत्यधिक क्रोध, कठोर वचन, अपने ही सगे संबंधियों से शत्रुता, नीच लोगों से मैत्री, हीन हरकत करने वालों की नौकरी। एक अनपढ़ आदमी की जिंदगी किसी कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, उससे ना तो उसकी इज्जत ढकती है और ना ही कीड़े मक्खियों को भगाने के काम आती है। यदि आप दिव्यता चाहते हैं तो आपके वाचा, मन और इंद्रियों में शुद्धता होनी चाहिए, उसी प्रकार आपके हृदय में करुणा भी होनी चाहिए। जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, ठीक उसी प्रकार यदि आप ठीक से देखते हो तो हर व्यक्ति में परमात्मा है।